कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या क्या करें? कोलेस्ट्रॉल के लिए अर्जुन की छाल और दालचीनी, इसका काढ़ा पिए, ये चाय पिए आप। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने की जरूरत ही नहीं, मैं 100% इस बात को प्रामाणिकता से कह रहा हूँ। करोड़ लोग दवाएं खा रहे हैं उसे फैटी लीवर और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल वाले लहसुन 1-2 कली पानी में भिगो दें, किसी किसी को गर्म करता है, जैसे मैं लहसुन नहीं खा सकता, ऐसे तो हम खाते हैं लहसुन प्याज, लेकिन लहसुन और प्याज ये औषधियाँ खून को पतला करने के लिए। किसी को घर में बना के भी रखना हो तो आप बना करके भी रख सकते हो, वैसे तो ताज़ा पिए तो ज़्यादा अच्छा है। किसी किसी का खून बहुत गाढ़ा हो जाता है तो 2-3 कली लहसुन की और 1 प्याज ले लें, मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लें काट करके, और 1 प्याज का रस निकाल लिया, उसमें 2-3 कली लहसुन की डाल दी और उसमें शहद डाल करके पी लीजिए आप। और डायबिटीज़ है तो शहद की भी ज़रूरत नहीं, वैसे तो 1 चम्मच शहद से कोई डायबिटीज़ नहीं बढ़ती है, कोई ऐसे भी थोड़ा उससे फिर उसकी वो सौम्य हो जाता है, थोड़ा तीखापन होता है लहसुन में और प्याज के अंदर, तो जिनको एसिडिटी है वो थोड़ी मात्रा में ले, जिनको एसिडिटी नहीं हो ले सकते पूरा। और प्याज ऐसे भी कच्चा प्याज आप खाते हैं रोटी के साथ सलाद में, प्याज से पेट बहुत अच्छा रहता है। 1 प्याज खाना, ज़्यादा नहीं खाना, पेट बहुत अच्छा रहता है, कब्ज दूर हो जाता है, वात रोग दूर हो जाते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं निकल जाते हैं। कब्ज की औषधि है, चबा चबा करके खाएं प्याज को। और लहसुन और प्याज ये खून को पतला करने के लिए तो प्रयोग किया जाते हैं, लेकिन हम स्वाद के चक्कर में इनको उबाल उबाल करके खाते हैं, इनके गुण ही नष्ट कर देते हैं, इनको पका के नहीं खाना चाहिए। प्याज को सलाद के रूप में खाइए, ज़्यादा अच्छी है। अब पका के खाने से भी थोड़ा तो लाभ करेगा, टेस्ट के चक्कर में भी आप खाते हैं खाते रहे, लेकिन औषधि के तौर पर लहसुन प्याज मैंने 2 काढ़े बताए, अर्जुन का क्वाथ और दालचीनी और लौकी का जूस, ये कोलेस्ट्रॉल की रामबाण औषधियाँ हैं और खून को पतला करने के लिए। लौकी का जूस, लहसुन प्याज, अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये 3 चीज़ें पर्याप्त हैं।